जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 12। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् वोम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, मैं प्रारंभ से मौजूद था। इसी तरह ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम भी नहीं थे, तुम पहले भी मौजूद थे। तुम ही नहीं, यहाँ जितने भी राजा महाराजा और सैनिक हैं, कभी ऐसा नहीं समय नहीं था जब वे भी नहीं थे, वे पहले से ही थे। अर्जुन, भविष्य में भी ऐसा समय कभी नहीं होगा जब हम सभी, मैं तुम ये सभी राजा और सैनिक, हर कोई अस्तित्व में नहीं रहे, भविष्य में भी हम मौजूद रहेंगे। इसका अर्थ है कि हम सब भूतकाल में भी थे, वर्तकाल में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे, अर्जुन मैं सर्वव्यापी हूं, मैं हर जगह फैला हुआ हूं और हर जगह मौजूद हूं, मैं सभी शरीरों में विद्यमान हूं, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। अर्जुन, तुम केवल अपने शरीर के विस्तार तक फैले हुए हो या मौजूद हो, इसलिए तुम आत्मा के रूप में जाने जाते हो। अब मैं इस शरीर में विद्यमान हूं, तो क्या मैं पहले नहीं था? नहीं, मैं तब भी अस्तित्व में था। क्या मैं भविष्य में अस्तित्वहीन रहूंगा? नहीं, मैं अब भी मौजूद रहूंगा। तो अतीत में मैं मौजूद था या विद्यमान था, वर्तमान में तुम मुझे देख सकते हो, भविष्य में भी अस्तित्व में रहूंगा, बस एक और शरीर में। सब शरीरों में और सब जगह उपस्थित रहना मेरा स्वभाव है। तुम्हारे बारे में बात करें तो तुम इस शरीर में मौजूद हो या विद्यमान हो, तुम और तुम्हारा शरीर अलग है। तुम इस शरीर में विद्यमान हो और चूंकि तुम केवल इस शरीर की सीमा तक ही उपस्थित हो, तुम आत्मा कहलाते हो। अतीत में भी तुम किसी अन्य शरीर में विद्यमान थे, अब तुम इस शरीर में विद्यमान हो, भविष्य में भी तुम दूसरे शरीर में विद्यमान रहोगे। तो इसका मतलब है कि तुम भूत, वर्तमान और भविष्य में मौजूद रहोगे। अब तुम समझ गए होगे कि तुम और मैं अलग हैं। इसी तरह अर्जुन, जो सैनिक, जानवर, पशु, पक्षी अपने सामने देख रहे हो, वे केवल अपने शरीर की सीमा तक मौजूद और विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें भी आत्माएं कही जाती हैं। तुम प्रत्येक व्यक्ति को अलग करने में सक्षम हो, है ना? आत्माएं अलग अलग हैं, उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने शरीर प्राप्त किए और केवल अपने शरीर की सीमा तक मौजूद हैं। वे सभी आत्मा के रूप में जाने जाते हैं। यहां तक कि हमारे सामने मौजूद इन सभी आत्माओं में भी हम उनमें अंतर देख सकते हैं, है ना? तुम्हारी और मेरी तरह ये सभी आत्माएं भी भूत, वर्तमान और भविष्य में विद्यमान थी।
इस सब के अनुसार यह स्पष्ट है कि मैं तुम सबसे अलग हूं। यह स्पष्ट है कि ये सभी आत्माएं जिनमें तुम और यहां सभी हैं मुझसे भिन्न हैं। यहां तक कि इन सभी आत्माओं में भी तुम उनमें से प्रत्येक में अंतर देख सकते हो। यह वही है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वेद शास्त्र में घोषित किया गया है स्पष्ट कर रहे थे और अर्जुन के माध्यम से हम सभी को। वे आत्मा और परमात्मा के बीच के अंतर और प्रत्येक आत्मा के बीच के अंतर को समझा रहे थे। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि मैं हमेशा मौजूद रहूंगा और भगवान भी हमेशा मौजूद रहेंगे। मैं शोक कर रहा हूं और भगवान हमेशा के लिए शांतिपूर्ण सुख की अनंत स्थिति में है। हमें नित्य स्मरण करना चाहिए कि हमें भी अनंत शांतिमय सुख प्राप्त हो। उस तर्क की सामग्री को प्राप्त करने के लिए हमारा एकमात्र विकल्प श्रीमन नारायण की शरण लेना है, जो परमात्मा है, जो सुख में मौजूद है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक उनकी शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। यह हमें प्रतिदिन याद रखना चाहिए। आइए हम सब श्रीमन नारायण की शरण लें। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा छठा वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मा शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन
कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने आठ वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम् वोम। नत्वे वाहम् जातु नासम् नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॐ। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव, सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तों से एक विशेष निवेदन, हमारे जीवन में सभी चीजों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन एक मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायणास्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायणास्त्रम पीडीएफ प्राप्त होगा। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम है। इन तीनों को मिलाकर नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण का एक दौर श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 दौर, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होता है। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर एक दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायणास्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।